हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पाउडर फाउंडेशन को लगाने का सही तरीका क्या है। तो आज पाउडर फाउंडेशन के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मैक का ये स्टूडियो फिक्स पाउडर फाउंडेशन। तो ये इस तरीके की किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर की पैकेजिंग की फॉर्म में आता है। सो दिस इज़ अ पाउडर प्लस फाउंडेशन इन वन, यानी कि आपको पाउडर जैसा वो मैट एंड बहुत ही सिल्की स्मूथ फिनिश देगा एंड फाउंडेशन वाली कवरेज भी देगा। एंड उसके नीचे इसमें इस तरीके का एक स्पंज आता है। जनरली सभी पाउडर फाउंडेशंस में ये होता है ताकि आप इजीली अपना प्रोडक्ट अप्लाई कर सकें। और मेरी मीडियम इंडियन स्किन टोन के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ शेयर NC41। तो वैसे तो पाउडर फाउंडेशन जनरली ऑयली या नॉर्मल स्किन टाइप वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी स्किन टाइप के लिए इस तरीके का पाउडर फाउंडेशन कैसे वर्क कराएं। पाउडर फाउंडेशन मैं आपको बता दूं, जनरली नो मेकअप मेकअप लुक या जब आप एवरीडे लुक में आपको बहुत ऐसा टाइम नहीं होता कि आप लिक्विड लगाएं एंड ब्लेंड करें एंड उस पूरे प्रोसेस के थ्रू जाएं, उतना टाइम दें, उसके लिए पाउडर फाउंडेशन बहुत अच्छा रहता है। तो मेरी आज की वीडियो में मैं ये तो बताऊंगी, साथ में पूरा मेकअप भी बता रही हूँ एंड कुछ ऑप्शनल स्टेप्स बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं अगर आप फ्लॉलेस नो मेकअप मेकअप लुक चाहते हैं। सो बिफोर अप्लाइंग पाउडर फाउंडेशन, अपनी स्किन को हाइड्रेट या मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये O3 प्लस का ब्राइटनिंग सीरम लूंगी एंड मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी ताकि जब मैं पाउडर फाउंडेशन लगाऊँ कोई ड्राई पैचेस ना रहे। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल करूंगी एक प्राइमर। तो मैं ये कैट्रीज कॉस्मेटिक्स का ये ब्लर स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने बैंकॉक से पिक किया था, बट आप कोई भी क्लियर प्राइमर जैसे लैक्मे एंड ब्लू हेवन के प्राइमर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने जो भी ऑयली एरियाज हैं या जहाँ पे मुझे लगता है फाउंडेशन अच्छे से टिकता या बैठता नहीं है, वहाँ अप्लाई करके अपने फिंगर टिप्स की मदद से ब्लेंड कर दूंगी। नेक्स्ट मैं लूंगी अपना मैक का ये पाउडर फाउंडेशन। तो आपको क्या करना है, ये जो स्पंज है इसको इस तरीके की जो मेकअप सेटिंग स्प्रेज होती हैं, ये DIY है, मैंने बनाई है, इसका भी मेरे चैनल पे है वीडियो, इसको आपको अपने स्पंज पे इस तरीके से स्प्रे करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो स्पंज है वो हल्का सा डैम्प हो जाएगा, तो आपके लिए पाउडर फाउंडेशन लगाना ईजी होगा एंड ये और ईजिली आपके स्किन पे ब्लेंड होगा। तो मैं इसको अपने इस पाउडर फाउंडेशन में डिप करूंगी। ओके एंड देन आई स्टार्ट अप्लाइंग इट। तो मुझे इसे हल्के हल्के अपने स्किन पे प्रेस करना है एंड हल्के हल्के इस तरीके से ब्लेंड करना है। तो मुझे जो भी रिक्वायर्ड कवरेज है अपने पाउडर फाउंडेशन से वो मिल जाएगी। तो आपकी स्किन को बहुत नेचुरल येट फ्लॉलेस लुक देने में मदद करता है। नोज पे बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस तरीके से लेना है। आपको इस तरीके से अपने नोज पे प्रेस करना है। तो ये बड़ी नेचुरल सी कवरेज देता है लेकिन आपके स्किन को एकदम इवन दिखाता है। एंड अगर आपकी आईलिड्स काफी ऑयली हो जाती हैं तो आईलिड्स पे भी इस तरीके से अप्लाई करना ना भूलें। इसके बाद जहां पे भी आपको लगता है कि और कवरेज की जरूरत है आप वहां पे इसे इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। तो इसके बाद ना तो आपको किसी कंसीलर की जरूरत है ना किसी कॉम्पैक्ट पाउडर की। तो अब मैं अपना मेकअप एक लाइनर ब्लश एंड लिपस्टिक के साथ फिनिश करूंगी एंड आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि पाउडर फाउंडेशन का लुक कैसा आता है। तो ये रहा मेरा फिनिश लुक यूजिंग लाइनर ब्लश हाइलाइटर एंड लिपस्टिक। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पाउडर फाउंडेशन के ऊपर। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्क्रीन पे आ रहे गोल आइकन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।